हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक सुनवाई थी 22 दिसंबर को। मैंने आपको बताया था 21 को भी थी, 22 को भी थी, तो 22 की सुनवाई का क्या हुआ उसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे। बट अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी कॉन्टेंट्स की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको एक लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के स्टॉक प्राइस में अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा हो तो 94.85 पे ओपन होने के बाद 96.75 का हाई बनाया और 92.40 का लो भी बनाया। 609,021 टोटल वॉल्यूम, मार्केट कैप है 2,466 करोड़ रुपए है। इसका 52 वीक हाई 114.90 का लो है 23.75 का। आइए खबर को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको जैसा कि मैंने बताया हुआ है कई दफ़े, आप मेरी बात को डायरेक्टली कैच कर लेंगे अगर आप मेरी वीडियोस को देखते होंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 22 दिसंबर को सुनवाई है। मैंने अर्ली मॉर्निंग में 6 o'clock पे एक वीडियो के माध्यम से आपको पोस्ट करके बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है वेनेसडे को 22 दिसंबर 2021 को सुनवाई करेगा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और रिलायंस इंफ्रा की एक सब्सिडरी कंपनी है DAMEPL यानी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, इसकी तरफ से। बेसिकली ये जो रिलायंस इंफ्रा की जो सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम अभी भी लिया मैंने आपसे दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, इसने एक एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल किया था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ताकि DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है जो अमाउंट इसको पे करना चाहिए वो जल्दी से जल्दी पे करे आर इंफ्रा के सब्सिडरी को। यानी कि 7,200 करोड़ रुपए का जो अवार्ड उसको दिया गया है DMRC को, वो जल्दी से जल्दी पे करे रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडरी कंपनी को पूरा का पूरा अमाउंट, क्योंकि जैसे जैसे लेट करेंगे हर दिन का 2 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट बन रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा बर्डन वाली बात हो जाएगी एक समय पे आके। इसीलिए DMRC चाहता है DMRC को जल्दी से जल्दी पे करने के लिए प्रेशर बनवाने की कोशिश कर रहा था दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडरी। तो दोस्तों, 22 दिसंबर को यहाँ पे हम देख सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से कहा कि आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को जमा कीजिए 1 हफ्ते के भीतर भीतर, और यहाँ पे जो अमाउंट पे करने के लिए आपसे कहा गया है उसमें से जितना भी आपने, देखिए 1,000 करोड़ रुपए का एक अमाउंट जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था 48 घंटों के भीतर भीतर जल्दी पे करिए और बाकी अमाउंट्स को के लिए भी अपनी आप एफिडेविट लगाइए और उसमें एक्सप्लेन करिए, अपने बैंक डिटेल्स को लगाइए, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करिए। तो 1,000 करोड़ रुपए तो एस्क्रो अकाउंट के अंदर DMRC ने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है, ये बात इन्होंने बताई जो कि एक्सेप्ट कर ली गई। यहाँ पे जस्टिस सुरेश कुमार केट करके थे, इन्होंने इस हियरिंग को देखा और डायरेक्ट किया कि DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है इसके पास टोटल 1,642 करोड़ रुपए इनके बैंक अकाउंट में है, जो रिमेनिंग अमाउंट जो ये नहीं दे पा रहे हैं उसके लिए एफिडेविट लगाइए और अपने बैंक डिटेल्स को भी साथ में लगाइए और एक्सप्लेन करिए और तरीके से एक्सप्लोर करिए कि किस तरीके से आप रिमेनिंग अमाउंट को पे करेंगे। यहाँ पे जस्टिस केट ने नोटिस किया 22 दिसंबर को कि कोई इस तरीके की रोक टोक नहीं थी बैंक अकाउंट्स को चेक करने के लिए, लेकिन हाँ DMRC की प्रॉपर्टीज़ को अटैच करने के लिए रोक जरूर लगाई गई थी। हालांकि तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल DMRC को के लिए अप्रोच अपीयर होते हुए इन्होंने कहा कि जो मैटर है डिस्प्यूटेड नहीं हो सकता और जो कुछ अमाउंट जो है ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, डिपॉजिट किया जा चुका है और ये पूरी सुनवाई जो है 11 जनवरी 2022 को रख दी गई है। जी हाँ, नेक्स्ट मंथ जो स्टार्ट होने वाला है न्यू ईयर 11 जनवरी को एक केस फिर से सुना जाएगा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, राइट। तो आप मोटी मोटी मेरी बात को समझ पाए। देखिए यहाँ पे 22 दिसंबर को हुआ क्या, 22 दिसंबर को 1,000 करोड़ रुपये का अमाउंट एस्क्रो अकाउंट में तो आ गया, लेकिन रिमेनिंग अमाउंट को ये जो है रिमेनिंग अमाउंट में से 1,642 करोड़ रुपए का अमाउंट तो है बैंक इनके बैंक अकाउंट में DMRC के, और रिमेनिंग अमाउंट को के ना होने की वजह लिखना है एफिडेविट में
और बैंक डिटेल्स को इनको एक हफ्तों के भीतर भीतर सबमिट करनी है। आगे फैसला 11 जनवरी को उठा लिया जाएगा दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, उसको हम वहाँ देखेंगे जानेंगे। बहरहाल आपको पता होना चाहिए 7,200 करोड़ रुपए का टोटल अमाउंट है जो रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडरी को मिलना है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रिलायंस इंफ्रा का पक्ष लेते हुए सपोर्ट किया है, डीएमआरसी को डायरेक्ट किया है कि वो पूरा का पूरा अमाउंट जल्दी से जल्दी पे करे, राइट, टाइम बाउंड मैनर के अंदर। तो दोस्तों ये खबर आपको पता ही है, बाकी कितना इसमें इंटरेस्ट है, कितना इसमें प्रिंसिपल अमाउंट है, ये बात आपको ऑलरेडी पता है। चलिए बता ही देता हूँ, 4,499.37 करोड़ रुपए का टोटल इंटरेस्ट है यहाँ पे, और रिमेनिंग 2,900 के अमाउंट के आसपास का टोटल प्रिंसिपल है। एज आई थिंक सो मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बता रखी है कई दफ़े। चलिए खैर, अब आपको ये अपडेट पता चल गई होगी। अच्छी लगी तो इस इन्फॉर्मेशन को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, वी विल टॉक समथिंग नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो।